हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हम आज बात करेंगे दिल्ली पॉलिटेक्निक के बारे में, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 के बारे में, कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, क्या रहेगा सिलेबस और किस तरह से आपका बेनिफिशियरी है आपके लिए। जो भी स्टूडेंट्स इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए हैं या पहले भी दे चुके हैं, जो 11th में है, वो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, 11th 12th वाले भी, और ख़ास के जो स्टूडेंट्स इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, तो ये रास्ता कितना आसान है, हम इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, और एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब फिल होगा, ये सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप जानते हैं कि जो बहुत सारे लोगों का अभी 10th का एग्ज़ाम फिनिश हो गया, मतलब अभी बहुत लोग का चल रहा है, हो गया जो भी है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप वीडियो कब देख रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो अभी बना रहा हूँ तभी 10th का एक एग्ज़ाम बाकी है। ओके, तो 10th के एग्ज़ाम के बाद आप ज़्यादा वेट ना करें और कोशिश करें कि जो स्टार्टिंग का जो 2-3 महीना है, जो आपको रिजल्ट आने और एग्ज़ाम के बीच में गैप रहेगा, उस टाइम को आप अच्छे से अगर यूटिलाइज कर लेते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप अगर इस फील्ड में चले जाते हैं, अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मीन्स कि अगर दिल्ली पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग नहीं, मेडिकल फील्ड भी है, लेकिन आप कम टाइम में अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, तो काफ़ी आसान रास्ता है। एक तो आपका फाइनेंशियली भी काफ़ी आपको सरकार हेल्प कर देती है, आपको ज़्यादा फी नहीं देना पड़ता है, और दूसरा कि आप इजली जल्दी से सेटल भी हो जाते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, तो हम इसकी अगर बात करें, इसके डेट की बात करें, तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है एग्ज़ाम में, इसमें तो इसका जो अगर हम सिलेबस की बात करें, तो आप देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है वो 150 क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें से आपका सिलेबस में, ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस जैसे हिंदी इंग्लिश बहुत कुछ पढ़े होंगे, तो आपको जो क्वेश्चंस होगा मैथ का, आपका यहाँ पे कितना क्वेश्चंस है, 50 क्वेश्चंस मैथ का, 50 क्वेश्चंस मैथ से आएंगे, साइंस जिसमें से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं, 40 क्वेश्चंस आपका फिजिक्स से है, 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से है, और 15 क्वेश्चंस आपका किससे है, बायोलॉजी से है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के आपको लगभग 40 से 75 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे, और 15 क्वेश्चंस आपको किससे है, इंग्लिश से आएंगे। तो यही तीन सब्जेक्ट आपको पढ़ना है सीईटी एंट्रेंस में, मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश, ये तीन सब्जेक्ट से आपके सीईटी में क्वेश्चंस आएंगे। तो और बाकी जो टोटल क्वेश्चंस होंगे 150 क्वेश्चंस, और 150 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 150 मिनट में कहने का मतलब कितना, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, MCQ क्वेश्चन होता है, तो आपको वही MCQ क्वेश्चन को आपको केवल टिक करना है, लेकिन टिक करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि इसे टिक कर दीजिएगा, उसके लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। बहुत सारे चीज़ें आप पढ़े होंगे वो डिटेल में आप सॉल्व करते हैं, आइदर आप मैथ पढ़ते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं, तो कुछ चीज़ें डिटेल में सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन को, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, ओके, मेंसुरेशन पढ़ते हैं, ओके, LCM SCF पढ़ते हैं, तो सारे को हमको क्या करना है, डिटेल में सॉल्व करते हैं। लेकिन हमको अगर एक मिनट में ही एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कुछ क्वेश्चन के लिए हमें ट्रिक पता होना चाहिए, ताकि हम कम टाइम में सॉल्व कर पाए। और सिंपल है, किस इसमें जो दिल्ली पॉलिटेक्निक होता है, नंबर ऑफ सीट लिमिटेड होता है, फिक्स होता है, तो अगर नंबर ऑफ सीट फिक्स है तो उतना ही कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो उसमें किस बेस पे दिया जाएगा कि जिनका रैंकिंग ऊपर से आएगा उस बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए आपको क्या होना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करने का मतलब हार्ड वर्क करना है, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा बहुत सारे सब्जेक्ट में ट्रिक, और जो कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो वो सारे चीज़ें हम आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से, या अगर आप दिल्ली से हैं, मतलब अगर दिल्ली पॉलिटेक्निक है तो दिल्ली से ही होंगे, ज़रूरी नहीं कि आपका लोकेलिटी दिल्ली होना चाहिए, आप आउटर से भी हैं और अगर दिल्ली में हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपके लिए भी सीट होता है। दिल्ली वालों के लिए सबसे ज़्यादा सीट होता है, लगभग 85% सीट होता है दिल्ली वालों के लिए, 15% सीट आउट ऑफ दिल्ली वालों के लिए भी होता है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात कि आपके लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियरी है, मैंने पहले भी बताया कि इसको आप अगर आप कर लेते हैं तो आप 10th के बाद डायरेक्ट आप जो और दिल्ली के हर एक लोकेलिटी में आपके पास कॉलेज है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां पे जाके आप डिप्लोमा कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप चाहे तो बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिप्लोमा पे ही जॉब करना चाहते हैं, आप सुनते होंगे जूनियर इंजीनियर, ये PWD के इंजीनियर हैं, ये CPWD के इंजीनियर हैं, जल विभाग के हैं, वन विभाग के इंजीनियर हैं, तो वो जो JEE होते हैं वो यही करके जाते हैं। तो आप भी अगर आप चाहते हैं, और फीस भी काफ़ी कम है, मैंने पहले इसी चैनल पे आप देखे होंगे, पहला वीडियो आप देखेगा उसमें मैं पूरा डिटेल में बताया हूँ कि जो फीस भी है वो 12,000-15,000 फीस है वन ईयर का, तो फीस भी ज़्यादा नहीं है, सरकार इन्वेस्ट करती है जो बोनाफाइड स्टूडेंट है, इसलिए वो एग्ज़ाम लेके स्टूडेंट को लेती है। तो
आपके लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा, आप अपने परिवार के वाले के लिए अच्छा रहेगा कि उनके ऊपर आपका लोड नहीं रहेगा। दूसरा कि जो एग्ज़ाम कब आने वाला है, क्योंकि कोविड के कारण बाकी सब कुछ डिले चल रहा है, तो इसीलिए आपका भी एग्ज़ाम भी डिले हुआ है, तो इसलिए जो इसका जो एग्ज़ाम का डेट है, जो टेंटेटिव है, जो अभी आने वाला है, आप देख सकते हैं कि अप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कब होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, जुलाई में आपका एप्लीकेशन रिलीज होगा और सबमिशन अब लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक आपका क्या होगा, उसको फॉर्म को फिल कर लेना है। और एग्ज़ाम कब होगा, अगस्त में, एक महीने का टाइम मिलेगा अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा और सितंबर में 15 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा, फिर सेकेंड वीक ऑफ सितंबर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपका क्या है यहाँ पे कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा और अभी आपका कौन सा चल रहा है, मई में आपका टोटल आपका टेंथ का आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो मई भर तो आपका एग्ज़ाम होगा, मई तक, जून जुलाई और लास्ट वीक ऑफ अगस्त, मीन्स कि अगर आप मान लीजिए कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त में हम अगस्त में से 15 दिन काउंट करते हैं, तो आपके पास मात्र 2.5 मंथ बचा हुआ है, 2.5 मंथ्स बचेगा आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। और जिसमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है आपका, अगर आप सिलेबस की बात कीजिएगा तो आप देखिए ये है आपका सिलेबस, मैथमेटिक्स का कुछ चीज़ें हैं जो आपके जो आपने 9th-10th में पढ़ा है, क्योंकि देखिए 9th-10th में बहुत सारा बोर्ड होता है आपका, एक होता है CBSE बोर्ड जो आप लोगों का होगा, ICSE बोर्ड भी होता है, तो उस बोर्ड के भी सिलेबस, तो नॉर्मल जो सिलेबस होता है ICSE के, उसके ज़्यादा टफ होते हैं नॉर्मल जो CBSE के कंपेयर में, तो उसका भी टॉपिक आपको इसमें मेंशन रहता है, तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस से हट के होगा, तो हम उसको भी पढ़ाएंगे और उसका भी ट्रिक आपको बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछा है। तो आप देखते होंगे कि मैथ में अगर आप देखिए तो मैथ में क्या है, रेशियो, प्रोपोर्शन, रेशनल एक्सप्रेशन, SCF, LCM, लीनियर इक्वेशन, जैसे अब इसमें एक नया ऐड कर दिया बैंकिंग, आप लोग पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, इनकम टैक्स आपको पढ़ना है, AP GP HP, ज़्यादातर 11th का टॉपिक है AP GP HP, यहाँ पे केवल AP है, अब आपके सिलेबस में कुछ बोर्ड में है, कुछ बोर्ड में नहीं है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये बैंकिंग और इनकम टैक्स, ओके, तो ये सब कुछ टॉपिक है जो अलग से, जैसे प्रोबेबिलिटी है, अब प्रोबेबिलिटी कुछ सब टॉप सब्जेक्ट पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको ट्रिक के माध्यम से सीखना पड़ेगा, ऐसे ट्रिक आपको सारा में सीखना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये सब सब्जेक्ट है, टॉपिक है जो अलग से है आपके सिलेबस से, तो इसको भी हमें पढ़ना है। बाकी साइंस टेक्नोलॉजी जिसको हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो ये जो पोर्शन है आपका यहाँ पे फिजिक्स का है, यहाँ से आपका केमिस्ट्री का है, और ये जेनेटिक्स से आपका बायोलॉजी का है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वर्क एनर्जी, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट, मैग्नेटिक, फिजिकल, न्यूक्लियस और यूनिवर्स, ये सब आपका किसका, फिजिक्स का पोर्शन है। सेम एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन, फ्यूल, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये सब केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आपको क्या होता है कि याद करना होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितना कहाँ से क्वेश्चन आता है, और वो कहाँ से पता चलेगा कि जो टीचर आपको अच्छा से प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके और वही चीज़ आपको पढ़ा है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि सिलेबस तो काफ़ी है, 2 साल में पढ़े हैं, 2 साल का सिलेबस को अगर आपको 2 महीना पढ़ना है तो हम पूरा तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है वही चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तीसरा इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको कम्प्रीहेंशन, सिक्वेंस, क्लोज टेस्ट, आइडम्स एंड फ्रेजेस, स्पॉटिंग एरर, एंटोनिम, साइनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, यही सब आपको फिलर्स, सेंटेंस और एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेज, तो ये सारे टॉपिक हैं जो इंग्लिश के हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे सिलेबस को, जो भी सिलेबस है, हम आपको सारा सिलेबस को हम कवर करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, ओके। तो सबसे पहले अगर आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो आप जो नीचे नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे, आप नंबर मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये नंबर है 9015781999, ओके, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और आप एक बार अपना स्लॉट बुक कर ले, और या आप एक बार कॉल करें ताकि आपको आइडिया लगे कि कब से बैच स्टार्ट हो रहा है, कैसे क्लास लेना है। अगर आप लोकलिटी में, मेरा जो इंस्टीट्यूशन है लक्ष्मी नगर में है, तो अगर आप लक्ष्मी नगर आ सकते हैं फिजिकल क्लास के लिए तो वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छा रहेगा। सारे स्टूडेंट लगभग 100-150 स्टूडेंट पढ़ते हैं एक साथ बैठ के, तो आपको वहाँ भी मज़ा भी आएगा पढ़ने में कि इतने स्टूडेंट एक साथ, 100-150 स्टूडेंट का माहौल रहेगा, कंपटीशन का माहौल रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप काफ़ी दूर हैं लक्ष्मी नगर से, अगर नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं, इसी तरह इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, जो भी डाउट होगा आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके डाउट भी पूछ सकते हैं। तो देख लीजिए कि आप लोगों को अगर क्लासेज ज्वाइन करना है तो आप एक बार इंक्वायरी ज़रूर कर लें इस नंबर पर कि क्लासेज कब से स्टार्ट हो रहा है, आप जो भी स्टूडेंट्स हैं। और इसमें अगर आपको और भी कुछ पूछना है कि फ्यूचर स्कोप क्या है,
कौन सा ब्रांच में एडमिशन होता है, क्या करना है, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो एक बार आप चाहें तो मेरा ऑफिस का एड्रेस मेंशन है, आप उस एड्रेस पे आके अपना एक बार स्लॉट बुक करके और काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। हम आपको ए टू जेड चीज़ें सेंटर पे हम आपको मिल जाएंगे सेंटर पे, तो सेंटर पे ए टू जेड चीज़ आपको समझा देंगे कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, या और भी कुछ अगर आप करना चाहते हैं तो हम आपको इस यहाँ पे आपको बता देंगे। तो आप लक्ष्मी नगर सेंटर एक बार विजिट कर ले, अदरवाइज कॉल करके पहले स्लॉट बुक कर ले और जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी इस चैनल पे आपको आगे भी वीडियो जो प्रीवियस ईयर के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और भी सर लोग हैं तो जो आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो भेज इस पर हम डाल रहे हैं ताकि आपको हेल्प मिले, आपको आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आइदर फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ के हो, सारे क्वेश्चन चैनल के माध्यम से आते रहेंगे। तो अगर आप अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके चूँकि आप टेंथ के हैं तो आपका काफ़ी बड़ा ग्रुप होगा तो आप उनको भी बता सकते हैं ताकि आप लोग का ग्रुपिंग होता है तो ज़्यादा पढ़ने में मज़ा भी आता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जो भी अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना है, थैंक यू सो मच।